नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर मोहित तबर होम्योपैथी चैनल पर। तो चलिए, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको बोलते हैं हम जरायु का, मतलब आपका जो होता है यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो इसके लिए ऐसी कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, लक्षण, और उनको कैसे ये मेडिसिन के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ इसमें जो लक्षण खास दिखाई देते हैं। तो जैसे कि प्रजनन प्रदेश में नीचे की तरफ बोझ अनुभव करती है, मतलब बोझ बना रहता है, वियरिंग डाउन सेंसेशन उसको महसूस होता है। में यह है एक मुख्य औषधि है जिसका नाम है CPR 30 पोटेंसी। इसमें क्या होता है, रोगिणी अनुभव करती है कि प्रजनन प्रदेश से भीतर के सब अंग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब उसको ऐसा महसूस होता है तो वो जंगा के ऊपर जंगा जो है सटा लेती है, पीठ की तरफ जो है उधर की तरफ दर्द अनुभव होता है। उसके बाद जो है कब्ज उसको होता है, खुजली वाला जो है पीला नीला प्रदर होता है, मतलब जो है बाइक डिस्चार्ज होता है, सांस लेने में उसको जो है कष्ट होते हैं। जरायु की जो स्थान होता है वो बाईं तरफ में उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए वो दाईं करवट लेटने में उसको आराम मिलता है। तो ये एक मुख्य औषधि थी, इसका जो मुख्य लक्षण यही है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि शरीर के सभी अंग बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए उसके लिए CPR मेडिसिन जो है 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर रात 3 टाइम खिलाइएगा। अगर लिक्विड लाया है इसको तो कितना देना है, लिक्विड में आपको देना है 5-5 बूंद, दिन में 3 बार दीजिएगा CPR का, ठीक है। और एक महीने में आपको कितना पोटेंसी देना है, 1 mg पोटेंसी एक महीने में एक बार देनी है, और CM का इसका जो पोटेंसी आता है वो 2 महीने में एक बार खिलानी है। तो अगर आप इस तरीके से ये मेडिसिन देते हैं तो जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या है, गर्भाशय का बाहर आ जाना, तो इस समस्या में काफ़ी लाभदायक ये मेडिसिन, ये उसके मुख्य लक्षण थे। तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं, इससे काफ़ी आराम मिलेगा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में। और ये सारे सिम्टम अगर आपके मैच होते हैं तो आप ये मेडिसिन निश्चित रूप से ले सकते हैं, इससे आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। सावधानी ये रखनी है, दवा लेते समय उसकी पोटेंसी अवश्य चेक कर लें। दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से एक बार सलाह जरूर ले लें कि ये दवा हमको लेनी है, ये हमारे सिम्टम हैं, ठीक है। दवा खाली पेट लेना चाहिए, ऐसी कोई तीखी गंध वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जैसे कि इलायची, लौंग, सुपारी, गुटखा, या ऐसी कोई जो है लहसुन प्याज, ऐसे पदार्थ नहीं खाना चाहिए, खाद्य पदार्थ जिससे जो है तीखी गंध रहे, तो उससे दवाई असर कम करती है। तो ये सावधानी रखनी है आपको। तो इस तरीके से इस मेडिसिन को लेते रहिएगा, आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ महीने लगेंगे क्योंकि ये क्रोनिक जब रूप, इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अगर फर्स्ट सेकेंड स्टेज में हैं तो आपको आराम मिल जाएगा मेडिसिन से, अगर थर्ड फोर्थ में अगर पहुंच जाता है तो उस समय फिर ऑपरेट ही लास्ट ऑप्शन बचता है। तो इसलिए कोशिश करें, फर्स्ट सेकेंड स्टेज है, स्टार्टिंग में ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये दवाई लीजिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।